ज्योतिष केंद्र हस्तरेखा पार्ट 148 अंगुलियों के पर्व पर जो पहला वीडियो था 147, अब 148 उसके जो वर्ष हैं कि हम उसका वर्ष का कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये चारों उंगलियों के पर्व हैं। अब इन उंगलियों पर अगर पर्व में नेगेटिव साइंस हैं, पर्व छोटे हैं, पर्व में कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से उनके पर्वों को हमें मालूम होना चाहिए कि उस पर्व पर हमारा कौन सा वर्ष होगा और हमें क्या फल मिलने वाला है। तो अगर मैं तर्जनी की बात करूँ, तर्जनी मध्यमा नाभिका कनिष्ठिका, ये पूरा मैंने यहाँ पर एक सारणी बना रखी है, इससे आप देख सकते हैं। अगर तर्जनी की बात करें तो तर्जनी पर जो पहला पर्व है, फर्स्ट पर्व पर पहला साल, 13वां साल, 25वां, 37, 49, 61, 73, 85, 97। दूसरा पर 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तीसरा पर्व है 61। तीसरे पर्व पे 11, 23, 35, 47, 49, 71, 83, 83 और 95। तो ये तर्जनी के प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व पर ये वर्ष माने जाएंगे, इसको आप याद रखिए। अब मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या। अनामिका 10 पहले पर्व पर, अनामिका के पहले पर्व पर पहला जो 10वां वर्ष आएगा, फिर 22वां वर्ष आएगा इसी भी, फिर 34वां, फिर 46, 58, 70, 82 और 94। दूसरे पर्व पर जो आएगा वो आएगा 9, 21, 33, 45, 57, सॉरी 69, 81, 93। और जो तीसरा पर्व है उस पे आएगा 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80 और 92। तो इस तरह से इस इन इन सालों में इन इन मतलब इन चिन्ह, अगर इन पे कोई खराब चिन्ह है तो उन उन सालों पर परेशानी, और अच्छा चिन्ह है तो वो साल फिर अच्छे जाते हैं। अब अगर हम कनिष्ठिका की बात करें तो इसमें जो पहला पर्व है 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79 और एंड 91। और जो सेकंड पर्व है उसमें 6, 18, 30, 52, 54, 66, 78, 78, 90। और जो थर्ड पर्व है उसमें 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77 और 89। और अगर बात करें हम मध्यमा उंगली की, तो मध्यमा उंगली में जो प्रथम पर्व है उसमें 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 और 100। दूसरे पर्व पर 3, 15, 27, 27, इसके अलावा 51, 63, 75, 87, 99, 39। तीसरे पर्व पर 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 और 98। कुछ मैंने इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं, कुछ हिंदी वर्ड यूज़ किए हैं, बाकी आप सारणी से उसको पूरा कॉपी करके रख सकते हैं कि कौन से वर्ष में क्या है, और उस हिसाब से। अब मान लीजिए कि तर्जनी पर सॉरी हमें देखना है 37वां वर्ष, तो 37वां वर्ष तर्जनी के प्रथम पर्व पर आएगा, ठीक है। और प्रथम पर्व अगर सुंदर है, प्रथम पर्व पर कोई नेगेटिव साइंस नहीं है, प्रथम पर्व पर सीधी रेखाएं, प्रथम पर्व आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, तो वो ठीक जाएगा। अगर हमें देखना है कि 44वां वर्ष, तो 44वां वर्ष अनामिका पे आएगा, और कहाँ पर आएगा, थर्ड पर्व पर आएगा। तो 44वें वर्ष पर थर्ड पर्व पर आप देखें अनामिका की कोई नेगेटिव साइंस तो नहीं है, कोई मतलब उसमें कोई काट चा मतलब कोई आड़ी तिरछी रेखाएं तो ज़्यादा नहीं, यब तो नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि वो वर्ष कैसा जाने वाला है। तो ये सारणी के अनुसार हम सीधा देख सकते हैं कि कौन सा वर्ष हमारी लाइफ में अच्छा जाएगा और कौन सा वर्ष हमारी लाइफ में खराब जाएगा। अब जैसे हमें 62वां साल देखना है, 61, 62, तो मध्यमा उंगली पर जाना है। मध्यमा उंगली के थर्ड पर्व पर 62वां साल माना जाता है। और इस अगर हम बात करें कि थर्ड पर्व पर जब 62वां वर्ष आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मीन राशि होगी, और प्लस यहाँ पर क्या, इस पर्व को गुरु प्रभावित होते हैं, तो इस राशि इस पर्व पर आपको देखना है कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है। तो इस तरह से पर्वों के आधार पर आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कैसा जाने वाला। मैं पर्व का थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में बता दूँ। तर्जनी जो है उसका प्रथम पर्व हम बात कर सकते हैं, मेहनत से सफलता मिलेगी, आलस से कम करें, अगर आलस से थोड़ा सा काम अच्छे खराब कर देगी। इसके अलावा एजुकेशन, व्यापार, इस तरह की चीज़ें यहाँ से देखते हैं। दूसरे पर्व से हम ये देखते हैं कि उधार वापस आएगा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, लॉसेस कितने होने, इसके अलावा यहाँ से आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड मैरिज के योग, नौकरी के योग भी इसे दूसरे पर्व से दिखता है। तीसरे पर्व की बात करूँ तो ये अच्छा रहता है, सफलता वाला, बिजनेस, प्रोफेशन, भाग्य, मेहनत के साथ सारी चीज़ें यहाँ से क्या करी जाती, थर्ड पर्व से देखी जाती, सॉरी तर्जनी के थर्ड पर्व से। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, तर्जनी के प्रथम पर्व से मेहनत वगैरह देखते हैं, दूसरे से उधार वापस आएगा कि नहीं, मैरिज, और यहाँ से हम ये मैरिज के योग देखते हैं, नौकरी के योग देखते हैं, और थर्ड पर्व से ये अच्छा नहीं होगा,
मगर मतलब इसमें प्रॉब्लम यात्रा व्यवसाय नौकरी में प्रॉब्लम मतलब थर्ड पर बेसिक इस चीज़ के लिए होता है, बाकी उसमें अच्छे से ने और वो सही है तो फिर वो खराबी नहीं करेगा। तीसरे पर अगर मैं मध्यमा की बात करूँ तो मध्यमा का जो प्रथम पर्व है इसको बोलेंगे यह वर्ष अच्छा रहेगा, सफलता बिजनेस प्रोफेशन सब बहुत अच्छा, इस तरह सी चीज़ें अगर हम प्रथम पर्व की बात करें। और अगर शनि पर जब भी चीज़ें जाती है तो शराब वगैरह से बचना चाहिए। दूसरा पर्व बहुत अच्छा होता है, सारे कार्य विघ्न बाधाएं मतलब बहुत अच्छे सारे कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए इस वर्ष में। अगर मैं बात करूँ मीन राशि में, अगर बात करें थर्ड पर्व की, तो थर्ड पर्व ये अच्छा नहीं होता, थोड़ी सी मानसिक परेशानियाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अनामिका की अगर बात करें तो नौकरी सरकार मतलब ये सरकार मतलब सूर्य की उंगली तो सरकार से रिलेटेड चीज़ है, दूसरा भी बहुत बढ़िया होता है, और तीसरा थोड़ा चिंता और संघर्ष की ओर इशारा करता है। अगर बात करें कनिष्ठिका की तो शादी के योग यहीं से बनेंगे, इसके अलावा दूसरे से संघर्ष व्यापार में बाधा की परेशानी, तीसरा अच्छा होगा यात्रा, इस तरह की चीज़ें आपको इन तीनों पर्वों का जो बेस कोर है वो ये होता है। ठीक है, तो ये था आपका अंगुली के पर्वों पर राशियां और कौन से साल में कैसा रहना है। बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो मैंने पूरी उंगलियों के नेचर बताए, इसके अलावा उन उंगलियों पर उस वर्ष में अगर कोई दोष है कोई दिक्कत है तो साल खराब भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सीधा इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब आपको आपने देखा बहुत शॉर्ट है बहुत अच्छी चीज़ है कि अब आपने देखा कि अभी आपका चल रहा है 25वां साल या 24वां साल। अब 24वां साल कहाँ पर आता है, तर्जनी के सेकंड पर्व पे आता है। तो सीधा आपको कहाँ जाना है, तर्जनी पे जाना है, तर्जनी के सेकंड पर्व पे जाना है, यहाँ पर 24वां वर्ष आता है। तो 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 72, फिर 84, फिर 96। तो सीधा आपको ये समझ में आ गया 12 84 मतलब 12 के बाद जब 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48। तो ये जो ईयर्स होंगे लगभग क्या होंगे आपको एक जैसे समझ में आएंगे कि हाँ इस समय ऐसा हो, तो ऐसा कुछ रिपीट भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो अब अगर हम बात करें कि तर्जनी का सेकंड पर्व किस लिए होता है, तो तर्जनी का जो सेकंड पर्व का कोर काम है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा लॉसेस का वर्ष रहता है, थोड़ा सा क्या होता है धन प्राप्ति और दोस्तों से थोड़ा सा प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, और इस तरह से मैरिज का योग बनता है इस उम्र में, और नौकरी के योग बनते हैं क्योंकि 24वां साल इस तरह के योग ये बनाता है। तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें इससे देखना आना चाहिए, और ये पूरी सारणी मैंने इसलिए बना दी ताकि आपको दिक्कत ना रहे। वीडियो अच्छे लगने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगली वीडियो तक नमस्कार।